नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी के बारे में, जिन्होंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था नोफैब के ऊपर, मास्टरबेशन और पोर्न एडिक्शन के ऊपर। क्या इसी चीज़ नॉर्मल है? उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, अगर लिमिट में की जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, किसी भी इंसान से इन्फ्लुएंस होने से पहले आप क्या सोचते हैं? उसको देखते हैं कि वो इंसान कहाँ है। सबसे पहले चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक इंसान हर एक फील्ड में आगे नहीं हो सकता। एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो इंडिया में लाखों लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन वहीं एक ऐसी चीज़ बोल जाता है जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, उससे इन्फ्लुएंस होकर वो एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि ये चीज़ सही है क्या, या ये चीज़ गलत है, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं वो एक ऐसी चीज़ बोल रहा है तो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने दोनों चीज़ों को करके देखा है, आपको खुद डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज़ में कितनी पावर है। आपने ब्रह्मचर्य नाश करके भी देखा है लगातार, और एक बार लगातार नोफैब और ब्रह्मचर्य का पालन करके भी देख लो। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य ना से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको कौन कौन से बदलाव शुरुआत में ही आपको देखने के मिलते हैं, किस तरह से आप अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होना कम कर देते हैं, आपका फोकस बढ़ने लगता है, और आप अपने दिन में अपने आपका डिप्रेशन एंजाइटी लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, और धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे आप खुश होने लगते हैं। आपको खुद को करके देखना है, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। और एक ऐसा इंसान जो लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है, वो एक टाइम पर आकर पोर्न को ही प्रमोट करता है कि नेचुरल है, एक चीज़ एक लिमिट तक देखी जाए तो ये चीज़ नेचुरल है। मैं आपको बताता हूँ कि एडिक्शन नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि एडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एडिक्शन की शुरुआत छोटे एडिक्शन से ही होती है। धीरे धीरे आप देखते हैं और उस चीज़ के अंदर और घुसते जाते हैं, और वो एडिक्शन वाइडली ब्रॉडली बढ़ता जाता है। एक टाइम होता है कि आपकी कैटेगरीज बढ़ने लगती है, आप ऐसी ऐसी कैटेगरीज में चले जाते हैं जहाँ पर आपको मैं बता भी नहीं सकता और लोग सोच भी नहीं सकते, और ऐसा ही उसके सबकॉन्शियस माइंड वो चलता रहता है, और वो जैसी चीज़ें देखता है वैसी अपनी लाइफ में करना चाहता है। और इसी तरह से आजकल हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में ऐसे जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इसी चीज़ के कारण। क्या एक इंसान पोर्न देखने के बाद में, मास्टरबेट करने के बाद में, वो अपनी चीज़ों पर फोकस कर पाता है? नहीं, बार बार वो उन्हीं चीज़ों की तरफ जाने लगता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आग कभी नहीं बुझती, जिसका एडिक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। जब आप इस चीज़ में घुसते हैं तो आप और इस चीज़ के आदि हो जाते हैं और इस एडिक्शन में घुसते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है आप करने के बाद में आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए भूल जाए, लेकिन फिर से ये चीज़ अब की बार आप में और बुरी तरीके से और बुरा एडिक्शन आपको इस चीज़ का लगने वाला है। तो आपको ये सोचना कि किधर आपको जाना है। सबसे पहले किसी पर भी विश्वास नहीं करना, आपको खुद को करके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य नाश और ब्रह्मचर्य जीवन में कितनी ताकत है।